हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एलआईसी को लेके एक नई अपडेट आई है, एक लेटेस्ट और एक बड़ी न्यूज़ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको टाइटल देख के समझ तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस न्यूज़ की बारीकियों के बारे में बात करूंगा। क्या इस न्यूज़ से फर्क पड़ने वाला है और क्या है डिटेल में ये न्यूज़। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं, आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है, इस चैनल की वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम एलआईसी को लेकर हर प्लान के बारे में, हर न्यूज़ के बारे में, हर तरीके की जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं समय के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। देखिए, कल एलआईसी ने 15 अप्रैल को एलआईसी में एक न्यूज आई थी कि एलआईसी के जो ऑफिस के टाइमिंग्स है, जो वर्किंग आवर्स है, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, पहली चीज, न्यू वर्किंग आवर्स। क्या है न्यू वर्किंग आवर्स? देखिए, काफी समय से एलआईसी के एम्प्लॉयज की एक डिमांड चल रही थी, और आपने देखा होगा, मैंने एक महीने पहले इस पे वीडियो भी डाला था कि जब एलआईसी ने इस पे स्ट्राइक किया था, डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने किया था कि हमें वेज रिवीजन चाहिए और 5 डेज वर्किंग चाहिए। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया है, वो लोग एग्री कर गए हैं, और एलआईसी के अब न्यू वर्किंग आवर्स बहुत ही जल्द एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको बता दूं कि पहले एलआईसी की ऑफिस की टाइमिंग जो रहती थी वो थी मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM, लेकिन उसमें क्या था, अल्टरनेट सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कंप्लीटली हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी रहा करेगी, सैटरडे एंड संडे की। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स होंगे और 10 बजे से लेके 5 बजे तक आपका वर्किंग टाइम होगा। तो दिस इज ए वेरी बिग न्यूज और काफी अच्छी न्यूज है एलआईसी के एम्प्लॉयज के लिए। सेकेंड चीज है, व्हेन एलआईसी विल स्टार्ट टू फॉलो इट। देखिए, अभी आईआरडीए ने एक नोटिस इशू किया है, चेयरमैन साहब से भी एक न्यूज आई है कि पहले एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद ही ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, इट विल टेक सम टाइम, बट आप उम्मीद कर सकते हो कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ये चीजें स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो गया है और इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो बहुत ही जल्द आपको न्यू ऑफिस टाइमिंग्स के साथ एलआईसी की वर्किंग आपको दिखाई देगी। देखिए, तीसरी चीज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एलआईसी कस्टमर। देखिए, इसमें एलआईसी कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए मैंने बता दिया है कि उनको अब 5 दिन ही ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर्स के लिए क्या जरूरी चीजें हैं इसमें। देखिए, जरूरी चीजें कुछ ज्यादा, इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं। ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर आप एलआईसी के कस्टमर हैं, आपको ऑफिस जाना है, कोई काम करना है आपको, तो पहले आप सैटरडे का भी टाइम निकाल सकते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब करते हैं वो मंडे टू फ्राइडे बिजी रहते हैं, तो सैटरडे को अपने काम निपटाने की कोशिश करते हैं। बट अब आपको सैटरडे का टाइम नहीं मिलेगा, अब आप मंडे टू फ्राइडे में ही आप अपने काम निपटा सकते हैं। अगर आपको कोई काम है ऑफिस में जाके आपको करना है, तो आप मंडे टू फ्राइडे ही जाके कर सकते हैं। देखिए, अगर इस चीज को इस तरीके से देखोगे कि कस्टमर के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, क्योंकि जब मंडे टू फ्राइडे एक तरीके से टाइमिंग हो जाएगी 5 दिन की, तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी काम करने की, क्योंकि सैटरडे एक ऐसा दिन माना जाता था कि जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके कोई काम करना चाहता नहीं था। ठीक है, लेकिन अब मंडे टू फ्राइडे जब हो गया, फुल 5 वर्किंग डेज हो गए हैं, तो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आपका काम और जल्दी होगा, तो कस्टमर्स के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। सेकेंडली, कोविड का इतना ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, कोविड के इतने ज्यादा केसेज आ रहे हैं, 2 लाख से भी ज्यादा अब पर डे के केसेज आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए भी एक अच्छी चीज है कि अब कम दिन ऑफिस खुलेगा इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ऑर्डर। और कहीं ना कहीं सेफ्टी को ध्यान रखते हुए भी, अगर आप इम्प्लॉयज की सेफ्टी भी देखोगे, कस्टमर की सेफ्टी भी देखोगे, इम्प्लॉयज भी हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जाते थे, अपना काम करते थे, कस्टमर्स के लिए ही इतनी सारी मुश्किलें वो एक तरीके से मोल लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको भी एक राहत मिलेगी इस मुश्किल समय में, उनके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है और कस्टमर्स के लिए भी एक अच्छी चीज है कि अब एफिशियंसी उनको और ज्यादा दिखाई देगी एलआईसी कस्टमर्स में। इसका सबसे बड़ा कारण एक और है जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, न्यू वेज। एलआईसी के एम्प्लॉयज का वेज रिवीजन भी हो गया है, विच विल बेनिफिट अराउंड 1.15 लाख एम्प्लॉयज ऑफ एलआईसी। बाकी इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज आई फील सम पर्सनल न्यूज फॉर एलआईसी एम्प्लॉयज। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि वेज रिवीजन हो चुका है और वर्किंग जो वर्किंग डेज और वर्किंग टाइम है वो चेंज हो चुका है। ओवरऑल इज इट गुड फॉर बैड? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी जो समय चल रहा है वो काफी मुश्किल समय चल रहा है हर किसी के लिए, क्योंकि कोरोना का ऐसा एक प्रभाव हो चुका है हमारी सोसाइटी पे कि नो वन फील सेफ दीज डेज। उस ऐसे टाइम में अगर आप
प्राइवेट सेक्टर को देखोगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को देखोगे, वो ऑलरेडी 9 to 5 वर्किंग करते हैं और मंडे टू फ्राइडे करते हैं। तो ये बहुत जरूरी था कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये चेंज आए, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज आएगा। शुरुआत चेंज की कहीं ना कहीं से होती है, फिर धीरे धीरे सब चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। तो एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही बेहतरीन चेंज है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस, एक एम्प्लॉयज के बारे में अगर आप सोचोगे, हफ्ते में 6 दिन वो काम करता है, तो उसके पास कहाँ एक दिन सिर्फ मुश्किल से मिलता है बाकी काम के लिए। अब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह 5 डेज वर्किंग अगर होगा तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। इवन आप अगर आउटसाइड इंडिया की कंट्रीज को देखोगे, वहां पे तो 4 डेज वर्किंग भी है, 3 डेज वर्किंग भी है। बट एज फॉर नाउ दिस इज वेरी गुड, अभी 5 डेज वर्किंग है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी। बहुत जल्द सभी सेक्टरों में उम्मीद करता हूँ ये चीज हो जाएगी। एज ऑफ नाउ LIC के लिए तो हो चुकी है, बहुत जल्द ये एप्लीकेबल भी हो जाएगी, एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। एंड सभी LIC के एम्प्लॉयज इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो अगर ऐसे मुश्किल समय में कोई भी अच्छी न्यूज मिलती है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव हो नहीं सकता इस टाइम पे। तो ये था आज की अपडेट आप लोगों के लिए, कि क्या क्या न्यूज आई है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्लान के बारे में जानना है, प्लान खरीदना है, या LIC किसी एग्जाम के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है, तो यहाँ पे मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं जिस पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, allaboutlicofficial@gmail.com। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे द फ्यूरियस पांडा के नाम से, या फिर मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप allaboutlicofficial के नाम से, या फिर आप मुझे डायरेक्ट ट्विटर पे भी सर्च कर सकते हैं और वहां पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं TGI फ्यूरियस पांडा के नाम से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प मिली है, आपको समझ में अच्छे से आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।